कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ का नैमुल बदल मिल ही जाता है। हाँ, मोहब्बत, पैसा, हर चीज़, हर एक चीज़ का नैमुल बदल है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मोहब्बत और पैसे में से अगर देखा जाए तो पैसे का नैमुल बदल नहीं है। मोहब्बत तो मिल जाती है, उसका नैमुल बदल भी मिल जाता है, लेकिन पैसा ऐसी शय है कि जितना ज़्यादा होता है मोहब्बत आपको उतनी ज़्यादा नसीब होती है। हाँ, मेरी कहानी भी कुछ इसी तरह है। मैंने अपनी मोहब्बत को पैसा, शोहरत, सब कुछ दिया। हाँ, वो एक मासूम सी लड़की थी जिसने शायद दुनिया की रंगीनियां देखी ही नहीं थी, लेकिन मेरी मोहब्बत ने उसे रंगीन दुनिया में ऐसा कदम रखने पर मजबूर किया कि फिर वो उस दुनिया की रंगीनियों में मुझे ही भूल गई और उसे मैं ही नज़र नहीं आने लगा। खैर, मैं उसे नज़र नहीं आता था। हमारी शादी को 2 साल ही गुजरे थे। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन पता है फिर क्या हुआ? उसने मेरी मोहब्बत को छोड़कर दुनिया की रंगीनियों में खो जाना शुरू कर दिया। उसे दुनिया की रंगीनियाँ इतनी भाने लगी कि मेरी बातें, मेरी मोहब्बत उसे कैद महसूस होने लगी। खैर, मैं उसकी खुशी में खुश रहता था और मुझे वो खुशी अच्छी लगती थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा जो जी चाहे करो, बस मेरी मोहब्बत के हसार में रहना और मुझे भी अपनी मोहब्बत के हसार में रखना। वक्त के साथ साथ वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गई। लोग उसके नाम से मुझे जानने लगे। मेरे लिए खुशी थी कि वो खुश है, लेकिन फिर अचानक कुछ यूं हुआ कि उसे मेरा साथ बुरा लगने लगा, उसे मेरी बातें बुरी लगने लगी, उसे मेरी मोहब्बत कैद लगने लगी। काफ़ी वक्त तक हमारा झगड़ा होने लगा। किचकिच चिक चिक रोज़ का मामूल बन गई थी। इस मामूल से छुटकारा चाहती थी वो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो एहसान फरामोश बन गई थी और उसने शोहरत, पैसा और दुनिया की रंगीनियों को चुन लिया और मुझे छोड़ दिया।